आज की कहानी की शुरुआत एक ऐसे प्लान से होती है जो हम 6-7 लड़कों ने इस लॉकडाउन की ज़िंदगी से थोड़ी सी ब्रेक हासिल करने के लिए बनाया और मारगल्ला हिल्स जैसे पुरफिजा मकाम का इंतखाब किया। लेकिन हर पाकिस्तानी प्लान की तरह कुछ लड़कों के गोली करवाने के बाद हम 3 ही लड़के बचे, जिनमें से एक। खैर आगे क्या हुआ चलिए देखते हैं। कैसे हैं आप? होप सो कोरोना से एहतियाती तदाबीर कर रहे होंगे इख्तियार। बस आज एक वैल्यूएबल इनपुट देनी है मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि हम अभी हाइकिंग स्टार्ट करने वाले हैं 13 से। तो पहले नाश्ता चल रही है, नाश्ता भी हो रहा है यहाँ पर। तो मैंने कोरोना की वजह से हम प्लेट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो हम शॉपर में अफला सोहेल जकी, इनका चैनल है 10 जकी इज़्म, आप उसको भी चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। पहले बस ये मैंने बताना है कि मारगल्ला का नाम मारगल्ला क्यों है। मार, देयर टू वर्ड्स, मार एंड गला। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सांप होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से गला, सांप को हमेशा गले पे वार करते हैं, सर पे वार करते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया गला, मार गला, इसलिए ये मारगल्ला। और हम ट्रेल 3 के फर्स्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और मेरे साथ आज हैं मेरे क्रिकेट फेलोज अफला सोहेल जकी और अब्दुल राजिक। हेलो। दो बिल्कुल डिफरेंट बैट्समैन, अब्दुल राजिक ओपनर जो कि चाहते हैं कि बैट्समैन को दरियाना बॉलर को, और ये अफला जो चाहते हैं जो चाहते हैं कि बॉलर उनको जा रहा ना। एक्शन का मतलब ये है कि देखो ये पुश करना शॉट, ये चीज, ठीक है। और अफला आप किस रंग खेलते हैं? तो दो कम्प्लीटली डिफरेंट बैट्समैन, और मेरा तो आपको पता ही है मैं तो हूँ ही जा रहे हैं ना अभी ट्रेल 3 पे। और ये जो अभी अभी आगे देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट, इसको देख के अफला की मतलब अफला काफ़ी डर चुका है। अफला नहीं, यहाँ पे अफला कह रहा है कि इधर तो सांप चढ़ जाएगा, तो हम भी चढ़ सकते हैं। आज बहुत मज़ा आने वाला है, ऊपर भी मज़ा है, नीचे भी मज़ा है, वहाँ पर भी मज़ा है, यहाँ पर भी मज़ा है। एक चीज़ जो मैं मेंशन करना भूल गया हूँ, वो है मेरी ब्रांडेड हाइकिंग स्टिक। हाइकिंग स्टिक आप देख सकते हैं, ये आपने यूके से मंगवाई गई है, बहुत ही ज़बरदस्त। अगर हमने हाइकिंग को एंजॉय करना है तो इस पाथ से जा सकते हैं। हाँ, इस पाथ से जा सकते हैं, इस पाथ में खैर रहने दो, आगे चलते हैं। एंड वी आर हाफ वे डन, और हमारा एक फौजी शहीद हो चुका है। अफला क्या हालात है? उल्टी आ रही है, कुछ डिस्क्राइब करना चाहेंगे? राजिक भाई क्या कहना चाहेंगे? मेहमान किसको दे दे, बैग दे देना, सही हो जाएगा। यहाँ तक तो आ रहा, आगे नहीं जाएंगे तब। अफला हेलो, द ज़की इज़्म 303 सब्सक्राइबर्स, 306 तीन और आ गए हैं, फिर भी तुम ट्रेल ऊपर नहीं चढ़ना चाहते। हेलो, देखो राजिक भाई, आप थोड़ा सा ऊपर ट्रैक है, वो पॉइंट है, वहाँ तक आ जाओ, वहाँ से वापस आ जाएंगे, इतना तो कर ले यार। यहाँ से कैसे वापस जाएगा तू? यहाँ से वापस जा सकता है इस रास्ते से? अफला यू कैन नॉट गिव अप, इस रास्ते पे कोई वापस नहीं जाता। तुम तो मशहूर थे टुक टुक प्लेयर 30 आवर पिच पे खड़े होने के लिए, तुमसे तो 5 आवर भी ना खड़े होने हुआ। ऐसा तुम घर में क्या करके आए हो सुबह? वी वॉन्ट टू नो। ओके जी, ऑफिशियल न्यूज है, हमारा एक फौजी शहीद हो चुका है, हम इसको छोड़ के आगे जा रहे हैं, इसको रास्ते में एनाकोंडा खाएगा। अफला अपनी खसूसियात दिखाते हुए 2 रुपए के लिए और बार लेट। एंड आज की जर्नी बर्बाद होते हुए थैंक्स टू जस्ट बिकॉज ऑफ दिस यान अफला, द ज़कीज़्म एक्सपोज्ड। चैनल अनसब्सक्राइब करें, मैंने पहले कहा था कि डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, अभी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जिसने सब्सक्राइब किया है जाके अनसब्सक्राइब करो। सारे किक सिटीजंस खास तौर पे सुन लो, ये बेकार आदमी। ऐसे लोग होते हैं। वंस अपॉन अ टाइम हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो अफला रनिंग कर रहा था, सेकंड रन कंप्लीट की और क्रीज में डाइव की, तो अनइंटेंशनली इंटेंशनली जो भी इसके मुंह से निकल गया मेरे लंग्स लग गए। लेकिन आज इसका सीना भी लग गया और छाती भी लग गई, हर चीज लग गई है। कितना
अगर कोई अल्लाह का नाम आता है तो जरूर उसको जवाब दे, फिर उसी में मर गया वो। कितना मजा से ना ईस्ट इंडिया कंपनी देखे आए हैं। हाँ वो कितना, वो तो दोनों ने कब्जा किया सब कॉन्टिनेंट पे। अच्छा उसमें तीसरे में बाइजेंटाइन एम्पायर भी दिखाते हैं। बाइजेंटाइन एम्पायर सबसे पुराना था, 360 में शुरू हुआ था। हम फाइनली लास्ट पोर्शन पे पहुंच चुके हैं। ये फायर ट्रैक है, ये है फायर लाइन ट्रैक, ट्रेल थ्री का लास्ट पार्ट। स्टोरी ये है कि फायर ट्रैक इसको इसलिए कहते हैं, आप इधर देखना, आप फायर ट्रैक राजक भाई के। तेरी आवाज मैं म्यूट कर दूंगा तो इस वजह से बोलने की जरूरत नहीं। बोलने तो मैं बता देता हूँ। हाँ राजक भाई बताएं यार, फायर लाइन का जो मतलब मेरे इल्म के मुताबिक, मेरे बिल्कुल नॉलेज के मुताबिक है, ये देखें आप सामने, अब आपको पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं, एक तरफ ग्रीनरी खत्म हो रही है दूसरी तरफ भी ग्रीनरी, और ये देखिए चिट्टे पत्थर हैं। तो ये फायर लाइन का नाम है, जहाँ मेरा इल्म कहता है वो ये इसलिए है कि जब आग लगती है जंगल वगैरह में तो वो ग्रीनरी पे आग खत्म हो जाती है, दरमियान में पत्थर यहाँ के स्टॉप होती है, इसलिए लाइन है क्रॉस नहीं कर पाएंगे। और ये बहुत स्टीप है, शायद वीडियो में इस तरह नजर आ रहा है लेकिन ये अराउंड 70 डिग्रीज या 75 डिग्री स्टीप होगा। तकरीबन ट्रैक कंप्लीट हो चुका है, बस ये हमारी लास्ट पार्ट होगी एंड इसके बाद हमारा आज का ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा, देन हमने वापस जाना है। अभी तकरीबन 10 बजने वाले हैं और मज़े की बात यह कि 11 बजे मेरा वाईवा है और यहाँ पर इंटरनेट के सिग्नल्स हैं वो बिल्कुल नहीं आ रहे, तो उम्मीद है अब इधर पहुँच कर हम वापसी में 11 बजे तक किसी ऐसी जगह पर पहुँच जाएँ जहाँ थोड़े से सिग्नल आ रहे हों ताकि मैं इंटरनेट ऑन करके वाईवा दे सकूँ, वरना तो ज़ीरो। देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। दिस इज इट, ट्रेल थ्री अकॉम्प्लिश्ड। वो नीचे अगर आपको रोड नजर आ रही है तो वहां से स्टार्ट किया था एंड अब भी टॉप पर हैं। बीच में एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे इसकी वजह से लग रहा था कि कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बीच में क्या लेकिन इसको मोटिवेट कर करके दौड़ देनी चाहिए, किसी तरह हम ऊपर ले ही आए एंड वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल प्लेस राइट नाउ। और एक बार फिर येट अनदर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल राजिक जी। भाई आप बताएं, एक्चुअली हम बात करेंगे अब क्योंकि हमें यहाँ से सेंटोरस का क्लियर व्यू आ रहा है, अगर आप थोड़ी सी तस्वीर साइड पर रखें तो पेप्सी का वो देखें साइन, यहाँ से कैमरा तो इतना क्लियर जारी बता आँख की तरह नहीं दिखा सकता, लेकिन स्टिल मेरी एग्जम्पशन है, फ्लोर्स गिने थे तो मुझे लगा कि तीन उसके वो टावर्स हैं, एक टावर में 33 फ्लोर्स हैं तो 3 × 33 = 99 एंड नीचे वाले को 1 काउंट कर लो तो 100 एंड दैट्स हाउ द नेम वाज गिवन टू दिस बिल्डिंग सेंचुरी। इट्स सेंटोरस ड्रिवन फ्रॉम सेंचुरी, सो पीपल से इट्स सेंटोरस। हमने क्या तीन चीज़ें सीखी? हाँ जी, हाँ फला हमने सीखी मारगल्ला वाली। हाँ जी, यानी वहाँ पे जो है सांप पाए जाते थे तो आपने उनको मारने के लिए गले में मार के उनको मारना पड़ता था। दूसरी चीज़ हमने फायर ट्रैक वाली सीखी, फायर लाइन वाली के बीच में आग अगर लगे तो बीच में नहीं लगेगी, आधी साइड बच जाएगी। और तीसरी चीज हमने सेंटोरियस सेंटोरियस स्ट्रेट आउट ऑफ इंडी उसके बारे में जानी। तो भाई हम बहुत शुक्रगुजार हैं अब्दुल राजिक का क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हमारा इन्होंने हमारे इस हाइकिंग सेशन को इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाया अपनी वास्ट नॉलेज से। अभी हम मनाल पहुँच चुके हैं, ला मोंटाना के बाहर बैठे हैं और यहाँ पे रेस्टोरेंट सारे बंद हैं तो कुछ ले नहीं सकते, लेकिन अभी टाइम हो चुका है 10:45। मैं वाइवा के लिए पूरे टाइम पे पहुँच चुका हूँ, यहाँ पे सिग्नल्स भी आ रहे हैं तो होपफुली 4G काम करेगा और वाइवा दे के फिर हम यहाँ से वापस चलेंगे। अच्छा जी, अब मज़े की बात यह है कि वहाँ पे सिग्नल्स भी आ रहे थे तो वाइवा भी हो गया और उसके साथ साथ एक अंकल ने हमें जूस भी ला के दे दिए कहीं से दुकान से ढूंढ के, थोड़े से महंगे थे लेकिन थोड़ी सी एनर्जी बहाल होगी वापस जाने के लिए, बस अब वापस जाएंगे। सेवर चिकन लेट्स सी सेवर भी मिलता है कि नहीं। आपको पाइन कॉर्न की एवोल्यूशन बल्कि उसकी पूरी एज दिखाते हैं, ये बिल्कुल छोटा पाइन कॉर्न एंड देन ये आ जाता है इस तरह की शेप में एंड लास्टली फिर जो हम पाइन कॉर्न देखते हैं, तो पाइन कॉर्न की पूरी एज भी हमने पहली बार देख ली।
मे भी आपने पहले देखी हो, मैंने पहली बार देखी। वापसी ट्रेल 5 से आ रहे हैं। ट्रेल 5 का ट्रैक आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ग्रीन है और काफ़ी ज़्यादा मतलब फॉरेस्ट की डेंसिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे ज़्यादातर वो पथरीला था, रॉक्स थे ज़्यादा, और वो जो उसका लास्ट ख़ास तौर पे जो फायर लाइन ट्रैक है वो बिल्कुल ही पथरीला था, वो मोर लाइक अ माउंटेन क्लाइंब है। लेकिन ये अब आपकी दूसरी तरह की हाइक आ जाती है जिसमें आपका ट्रैक जो है वो मोस्टली मड का है, और इस वक्त बारिश की वजह से थोड़ा सा स्लिपरी हुआ हुआ है, और वाइल्ड लाइफ की आवाज़ें आप थोड़ी बहुत बीच में सुन सकते हैं। आज के यहाँ के ट्रैक पर हमने एक फॉक्स यानी लोमड़ी और उसके अलावा एक हिरन, एक डियर हमने देखी खुद। देख लो बस, ये मेरा असल कलर है, शक्ल में ना जाओ। ओके, ट्रेल इज़ ऑलमोस्ट ओवर। अब पार्किंग की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हमने बाइक्स खड़े किए थे, सो वहाँ से जाएंगे लंच करने एंड देन उसके बाद घर। लास्ट पोर्शन जो था वो वाटरफॉल के बाद वो वाला पोर्शन काफ़ी ज़्यादा टायरिंग था, क्योंकि बॉडी बिल्कुल जो थी वो कूल डाउन हो चुकी थी, उसके बाद दोबारा से काफ़ी मुश्किल होती है। बट ये के कंप्लीट कर लिया और अभी बस हम पहुंच चुके हैं अपने पार्किंग पर एंड यहाँ से अब चलेंगे लंच की तरफ। तो ये था आज का एक छोटा सा व्लॉग, मिलेंगे अब अगली फिटनेस वीडियो में। दिस इज़ AJ Fit साइनिंग ऑफ। उम्मीद करता हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसके साथ साथ वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट्स में अपने ख्यालात लाजमी बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे जल्द ही एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।